हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आप थंबनेल देख के जान गए हैं कि बहुत ही अफोर्डेबल रेंज की चिकनकारी कुर्ती हॉल होने वाला है। कुर्ता सेट चिकनकारी के मैंने परचेस करे हैं, तो किस प्राइस रेंज में मिलने वाले हैं, मटेरियल क्वालिटी कैसी मिलने वाली है, रेट के अकॉर्डिंग जस्टिफाई है या नहीं है, सारी बातें करेंगे। तो फिर चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। स्क्रीन पे आप इमेज देख रहे होंगे जिसको देख के मैंने इसको परचेस किया था। वैसे मैं आप सबको बता दूं कि मैं आप सबके साथ इन सब की अनबॉक्सिंग भी शेयर करती रहती हूँ, तो आप मेरे YouTube शॉर्ट्स को चेकआउट कर सकते हैं, चैनल को विजिट कर सकते हैं, कम्युनिटी पोस्ट पे भी सबके लिंक मेंशन कर देती हूँ, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। आपको सारी ही वीडियो के लिंक वहाँ पे मिल जाएंगे। और आप स्क्रीन पे इमेज देख रहे होंगे जिसको देख के मैंने ये वाला कुर्ता सेट ऑर्डर किया था। तो देखते हैं हमें ये कैसा रिसीव हुआ है। स्क्रीन पे तो ये बड़ा ही प्यारा लग रहा था। फैब्रिक आपको रियॉन मिल जाता है, और रियॉन फैब्रिक में आपको मिलता है बहुत ही प्यारा सा वर्क। थ्रेड की फिनिशिंग बहुत अच्छी दे रखी है आपको, और क्योंकि डार्क कलर है उस पर ये व्हाइट कलर के थ्रेड का वर्क बड़ा ही प्यारा लग रहा है, जो कि मैं आपको दिखा पा रही हूँ। 3x4 स्लीव्स आपको मिलती है। स्लीव्स पे भी पूरा काम आपको मिल जाता है, और नेक जो है वो आपको पूरा भरे हुए थ्रेड वर्क के साथ मिलता है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। स्ट्रेट फिट कुर्ता है। साइड ओपनिंग स्पेस आपको मिल जाती है, और साइड ओपनिंग स्पेस वाली जगह पे भी आपको काम मिलता है, जो कि आप देख रहे होंगे। काम की फिनिशिंग बहुत अच्छी है, कलर बड़ा प्यारा है, काम जो है उसके ऊपर खिल के आ रहा है। अब मैं आपको पीछे से दिखा देता हूँ। पीछे से आपको बिल्कुल ही प्लेन सा कुर्ता मिलता है, जो भी काम है वो आपको आगे वाले पोर्शन में ही मिल जाता है। तो अब मैं इसको प्लाजो आपको दिखा देती हूँ। तो प्लाजो जो है वो आपको इलास्टिक वेस्ट लाइन के साथ मिल जाता है, कंफर्टेबल सी इलास्टिक रहने वाली है। तो प्लाजो का फैब्रिक भी आपको रियॉन ही मिलता है। आगे की तरफ प्लाजो में आपको काम मिल जाता है, थ्रेड का वही वर्क है जो कि आपको पूरे कुर्ते वाले पोर्शन में मिल गया था। आपको दोनों तरफ काम दे रखा है। काम की फिनिशिंग मैं आपको दिखा पा रही हूँ, अच्छी काम की फिनिशिंग दे रखी है। तो केवल आपको आगे की तरफ ही काम मिलता है, पीछे की तरफ से आपको प्लाजो बिल्कुल ही प्लेन मिल जाता है। फैब्रिक अच्छा है, वियर कर सकते हैं, ऐसा फैब्रिक आपको मिल जाता है। पीस को मैं आपको चेक करके दिखा रही हूँ, तो आप देख सकते हैं पहनने के बाद कैसा लग रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आइए फिर नेक्स्ट पीस देख लेते हैं। तो आप स्क्रीन पे इमेज देख रहे होंगे जिसको देख के मैंने चिकनकारी कुर्ती ऑर्डर करी थी, जिसके साथ मुझे इनर भी मिल गई है। मतलब इतने ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज में मुझे इनर भी मिल गई है। पूरी ओपन करके देखेंगे, मिरर वर्क के साथ कुर्ती आपको मिल जाती है, और स्पेशली समर्स में तो बहुत अच्छी लगती है। वाह, मतलब प्यारा सा पीस है, आप देख पा रहे होंगे कितना ज़्यादा प्यारा काम आपको उसके पूरे नेक वाले पोर्शन पे मिलता है। मिरर्स जो हैं वो केवल ऊपर से चिपकाए हुए हैं, लाइट पड़ेगी तो शाइन करेंगे, लेकिन थ्रेड के साथ अटैच नहीं है। थ्रेड का वर्क जो है वो बिल्कुल ही अलग आपको मिल जाता है। थ्रेड के वर्क की फिनिशिंग अच्छी है, जॉर्जेट की कुर्ती है। पूरा थ्रेड वर्क जो है वो कुर्ती के आगे वाले पोर्शन पे आपको मिलता है, जो कि मैं आपको दिखा पा रही हूँ। थ्रेड वर्क की फिनिशिंग भी आपको अच्छी मिलती है, कोई भी थ्रेड आपको निकला हुआ नहीं मिलता है। कुर्ती में आपको पीछे की तरफ भी काम दे रखा है, मतलब पीछे भी आपको वही बूटे जो हैं वो बने हुए मिल जाते हैं, जिसमें आपको मिरर फॉयल वर्क मिलता है। काम जो है वो आपको आगे की तरफ बहुत प्यारा मिलता है, पूरा नेक वाला पोर्शन चमकने वाला है, पूरा भरा हुआ आपको नेक वाला पोर्शन मिल जाता है। अब मैं आपको इसका इनर दिखा देती हूँ। तो इनर का फैब्रिक आपको थोड़ा सा खड़ा हुआ कपड़े में मिलेगा, कलफ लगा हुआ कपड़ा है, आपको एक बार इसको धुलना ही पड़ेगा, उसके बाद पहनिएगा। बाकी इनर जो है वो बिल्कुल आपकी कुर्ती के मैचिंग का ही मिल जाता है, और आप देख पा रहे होंगे कि लेंथ जो है वो उसकी कुर्ती से कम ही मिलती है। मतलब पूरी लेंथ की तो इनर नहीं मिलती है, पर हाँ काम आपका चल जाएगा, इतनी इनर आपको मिल जाती है। और फैब्रिक जो है वो आपको ओके ओके टाइप का इनर का मिलता है। आपको एक बार इसको धुलना पड़ेगा, उसके बाद ही ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाने वाले कपड़े में आपको लगेगा। अब मैं आपको इसको स्टाइल करके दिखा रही हूँ, तो आप देख सकते हैं कि पहनने के बाद कुर्ती कैसी लग रही है। तो कुर्ती आपको स्ट्रेट फिट मिलती है, काफ लेंथ तक की कुर्ती आपको मिल जाती है, और साइड ओपनिंग स्पेस आपको मिल जाता है। इस तरह की कुर्तियाँ बड़ी अच्छी लगती हैं जब आप इनको अपनी जीन्स के साथ पेयर करते हैं, वाइट प्लाजो के साथ, पैंट के साथ या लेगिंग के साथ पेयर करते हैं, एक अलग सा एक ग्रेस आता है और कंफर्टेबल भी रहती है। तो लिंक आपको सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए फिर नेक्स्ट पीस देख लेते हैं। आपको ब्लैक कलर मिलता है, काम की फिनिशिंग आप देख सकते हैं कि अच्छी काम की फिनिशिंग मिल जाती है। पूरा नेक जो है वो आपको भरा हुआ मिलता है, स्लीव्स
स्लीव्स जो हैं वो आपको 3/4 मिलती हैं, उस पर भी आपको काम मिल जाता है, काम की फिनिशिंग आपको अच्छी दे रखी है, मतलब थ्रेड का जो भी काम है वो आपको बहुत ही प्यारा मिलता है, जो कि मैं आपको दिखा पा रही हूँ। स्ट्रेट फिट कुर्ता है तो साइड ओपनिंग स्पेस दे रखा है, काम पूरा आपको एंड तक मिलता है, मतलब बॉटम में भी आपको काम दे रखा है। ब्लैक कलर पे थ्रेड वर्क बहुत ज़्यादा खिल के आ रहा है, और पीछे से आपको पूरा ही प्लेन कुर्ता, तो पीछे से पूरी ही आपको प्लेन कुर्ती मिल जाती है, सारा काम सारा ग्रेस जो है वो कुर्ती का आपको आगे की तरफ ही मिलता है। थ्रेड की फिनिशिंग बहुत बढ़िया है, आप एक बार देख सकते हैं कि थ्रेड की फिनिशिंग आपको बहुत अच्छी मिल जाती है। आइए मैं आपको उसका प्लाजो दिखा देती हूँ। तो प्लाजो आपको इलास्टिक वेस्ट लाइन के साथ मिलता है, वेस्ट लाइन आपको इलास्टिक आपको कंफर्टेबल मिलती है, और प्लाजो में आपको सेम व्हाइट कलर के थ्रेड का वर्क मिल जाता है, जो कि मैं आपको दिखा पा रही हूँ। मैं कोशिश तो कर रही हूँ, पता नहीं कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पर नीचे बिल्कुल बॉटम वाले पोर्शन में आपको व्हाइट कलर का थ्रेड वर्क मिलता है। व्हाइट कलर का प्लाजो है, थोड़ा सा सी थ्रू आपको लगेगा, पर जब आप कुर्ते के साथ वियर करेंगे तो इतना दिखने वाला नहीं है। सॉफ्ट सा पीस है, फैब्रिक आप पहन सकते हैं, कंफर्टेबल पीस आपको मिल जाता है। अब मैं आपको उसको चेक करके दिखा रही हूँ, तो आप देख सकते हैं पहनने का पीस कैसा लग रहा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आइए फिर नेक्स्ट पीस देख लेते हैं। तो ये वाला पीस जो है वो आपको बहुत ही प्यारे से वर्क के साथ मिलता है, और ये उसी का पीस है जो मैंने आपको पहले वाला कुर्ता सेट दिखाया था, उसी का पीस आपको मिल जाता है। फैब्रिक आपको रियॉन मिलता है, और आपको पूरा ही थ्रेड वर्क मिलता है, जो आप देख पा रहे होंगे पूरा व्हाइट कलर का थ्रेड वर्क आपको मिल जाता है। स्लीव जो है वो 3/4 मिलती है, काम की फिनिशिंग आपको अच्छी मिल जाती है, थ्रेड का जो भी काम करा गया है वो बहुत प्यारा है, और डार्क कलर पे इस तरह के काम जो है वो खिल के आता है, इसलिए आप देख पा रहे होंगे पूरा काम गले वाले पोर्शन में, स्लीव वाले पोर्शन में बहुत बढ़िया दे रखा है। थ्रेड की फिनिशिंग आपको ऑसम मिल जाती है, पीछे से आपको बिल्कुल ही स्ट्रेट मिलता है, काफ लेंथ तक का कुर्ता है, साइड ओपनिंग स्पेस आपको मिल जाती है, काम बिल्कुल वो बॉटम तक आपको मिल जाता है, जो कि मैं आपको दिखा पा रही हूँ। फैब्रिक कंफर्टेबल है, सॉफ्ट है, जिसको वियर कर सकते हैं, ऐसा फैब्रिक आपको मिलता है, अच्छा पीस है, आप चाहें तो उसको ट्राई कर सकते हैं। अब मैं आपको उसका प्लाजो दिखा देती हूँ। तो प्लाजो आपको इलास्टिक वेस्ट लाइन के साथ मिल जाता है, इलास्टिक कंफर्टेबल सी है, और प्लाजो में आपको आगे की तरफ बड़ा ही प्यारा सा काम दे रखा है, जो कि सेम वैसा ही जैसा कुर्ते पे मिल गया था। काम की फिनिशिंग आपको पास से दिखा देती हूँ, तो काम की फिनिशिंग आप देख सकते हैं कि बढ़िया काम की फिनिशिंग आपको मिल जाती है। तो पीछे की तरफ से आपको बिल्कुल ही प्लेन प्लाजो मिल जाता है, कंफर्टेबल सा पीस है, पहनेंगे बैठेंगे उठेंगे तो अनकंफर्टेबल रहने वाला नहीं मिलता है, प्यारा सा पीस है। तो अब मैं आपको उसको स्टाइल करके दिखा रही हूँ, तो आप देख सकते हैं पहनने के बाद पीस कैसा लग रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आइए फिर नेक्स्ट पीस देख लेते हैं। तो मिरर वर्क के साथ आपको कुर्ती मिल जाती है, स्क्रीन पे बहुत प्यारी लग रही थी, बाकी इसको ओपन करके देखते हैं क्या ही हमें कैसा मिला है। इन सब के एक्चुअल कलर काम आपको क्लियर हो जाए, इसलिए सारी शूटिंग नेचुरल लाइट में कर रही हूँ, तो हो सकता है कि आपको मेरे पीछे बैकग्राउंड नॉइज आ रही हो, तो इतना मैनेज कर लीजिएगा। कुर्ती आपको बहुत ही प्यारे से कलर में मिलती है, मतलब प्यारा सा पीस है, काम की फिनिशिंग आपको मैं दिखा पा रही हूँ कि बहुत प्यारी काम की फिनिशिंग आपको मिल जाती है। स्लीव्स आपकी लगभग पूरी स्लीव्स मिलेंगी, मतलब फुल स्लीव्स मिल जाती हैं, काम जो है वो आपको स्लीव्स वाले पोर्शन मिलते हैं। जॉर्जेट की कुर्ती आपको मिलती है, जॉर्जेट की कुर्तियाँ बहुत प्यारी लगती हैं, समर्स में जब आप इनको अच्छे से पेयर करते हैं तो बड़ा ही प्यारा और कंफर्टेबल सा फील आता है। आपको मैं दिखा पा रही हूँ काम की फिनिशिंग, आप पास से देख सकते हैं कि बहुत ही ऑसम क्वालिटी की काम की फिनिशिंग मिल जाती है। जो मिरर्स हैं वो केवल ऊपर से चिपकाए हुए हैं, थ्रेड का वर्क नहीं है मिरर में, वो केवल ऊपर से स्टिक करे हुए हैं, ग्लू की हेल्प से चिपके हुए हैं, पर जो थ्रेड का वर्क व्हाइट कलर से करा हुआ है वो आपको बहुत बढ़िया मिलता है। स्ट्रेट फिट कुर्ती आपको मिल जाती है, साइड ओपनिंग स्पेस दे रखा है, तो काफ लेंथ तक का कुर्ती आपको मिलती है, साइड ओपनिंग स्पेस पे भी आपको काम दे रखा है, जो कि मैं आपको दिखा पा रही हूँ। पीछे से आपको जो काम है वो यही वाला मिल जाता है, मतलब एक बूटा जो है वो पीछे भी दे रखा है, बाकी पीछे से पूरी कुर्ती आपको प्लेन मिलती है। तो इसके साथ आपको बॉटम भी मिल जाता है, ओपन करके देखते हैं क्वालिटी हमें कैसी मिली है। अगर आपके इन कुर्ते के रिगार्डिंग कोई और क्वेरी है तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इन सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। इलास्टिक वेस्ट लाइन के साथ आपको पेंट मिल जाती है,
बहुत ही प्यारी सी पैंट है। तो बॉटम वाले पूरे पोर्शन में आपको काम मिलता है, आपको मैं दिखा पा रही हूँ। फैब्रिक जो है वो कंफर्टेबल सा है, मतलब कि अनकंफर्टेबल रहने वाला फैब्रिक नहीं मिलता है। काम की फिनिशिंग आप देख सकते हैं कि बढ़िया काम की फिनिशिंग आपको मिल जाती है पूरे बॉटम वाले पोर्शन में। व्हाइट कलर है, थोड़ा सा सी थ्रू रहेगा, लेकिन जब कुर्ती के साथ वियर करेंगे तो इतना दिखने वाला, पता चलने वाला नहीं है। काम जो है वो आपको दोनों तरफ अच्छा दे रखा है, आगे और पीछे दोनों तरफ आपको काम दे रखा है, मतलब नीचे से पूरा बॉटम जो है वो आपको भरा हुआ मिल जाता है। और इसमें आपको पॉकेट भी मिल जाती है, जिसमें आप अपना मोबाइल और छोटा पर्स कैरी कर सकते हैं, इतना स्पेस पॉकेट में आपको मिल जाता है। अब मैं आपको उसको सेल करके दिखा रही हूँ, तो आप देख सकते हैं पहनने के बाद चीज कैसा लग रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आइए फिर नेक्स्ट पीस देख लेते हैं। तो स्क्रीन पे ये कुर्ती इतनी सुंदर लग रही थी, एग्जैक्टली आपको वैसी ही रिसीव हो जाती है, मतलब वाव वाली चिकनकारी कुर्ती आपको मिलती है। वी नेकलाइन मिल जाता है और जॉर्जेट की कुर्ती है। जॉर्जेट की स्लीव्स मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, और वो भी इतने सारे काम के साथ। अब तो आपको मैं दिखा पा रही हूँ व्हाइट कलर का थ्रेड वर्क कितना ज़्यादा औसम कर रखा है पूरी कुर्ती वाले पोर्शन में। काम आपको बहुत बहुत प्यारा मिलता है, पूरी भरी हुई कुर्ती आपको मिल जाती है। आप में से कौन कौन ब्लैक कलर लवर है मुझे कमेंट सेक्शन में आप डेफिनेटली बता सकते हैं, क्योंकि मुझे तो पर्सनली ब्लैक कलर स्टाइल करना, पेयर करना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। अब मैं आपको दिखा पा रही हूँ पूरा बॉटम जो है वो इसका आपको भरे हुए काम के साथ मिलता है। अंदर इनर का जो फैब्रिक है वो भी बहुत सॉफ्ट है, मतलब मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि इतने कम प्राइस में इतनी प्यारी मटेरियल क्वालिटी मिल जाएगी। अब मैं आपको बता दूं कि प्रॉपर फिटिंग भी आपको मिलती है, पीछे आपको जिप का पैटर्न मिल जाता है, और जिप की क्वालिटी भी आपको अच्छी दे रखी है, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ पूरे आपके वेस्ट एरिया तक जिप मिलती है। तो अच्छा सा पीस है, मेरी तरफ से तो ये हाईली रिकमेंडेड पीस है। अगर आप अपने लिए ब्लैक कलर में चिकनकारी, अनारकली या पूरे घेरे वाली कुर्ती देख रहे हैं तो अच्छा पीस है, आप इसको डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। घेरा भी आपको कुर्ती में बहुत बढ़िया मिल जाता है, मतलब पूरा घेरा आपको दे रखा है, पूरा घेरा आपको भरे हुए वर्क के साथ मिलता है। आगे से आपको मैंने काम दिखा दिया, पीछे से भी आपको पूरा ही काम मिल जाता है, मतलब बिल्कुल भी खाली रहने वाले पीस आपको नहीं मिलता है। और इस कुर्ती के साथ आपको मिलता है दुपट्टा, दुपट्टे पे भी आपको लेस का पैटर्न मिल जाता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल अमाउंट मुझे लगा है, जितना काम इसमें आपको मिला है उसके हिसाब से कुर्ती बहुत अच्छी है। ये दुपट्टा है जिसपे आपको लेस का पैटर्न दिख रहा होगा, कितना ज़्यादा प्यारा दुपट्टा आपको मिल जाता है। फैब्रिक आपको जॉर्जेट मिलता है, लंबा चौड़ा दुपट्टा है, छोटा रहने वाला दुपट्टा नहीं है, 2.2 मीटर का दुपट्टा आपको मिल जाता है। तो कुर्ती को मैं आपको स्टाइल करके दिखा रही हूँ, तो आप देख सकते हैं पहनने के बाद पीस कैसा लग रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ये थे वो कुछ अफोर्डेबल रेंज की चिकनकारी कुर्ती कुर्ता सेट हॉल। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नए हैं चैनल पे, पहली बार देख रहे हैं इन वीडियोस को, नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि मेरी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।